प्रणाम। विज्ञान भैरव तंत्र के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जिसका नाम है अपनी आँख से ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है रूपांतरित हो सकता है। हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं जैसे हर चीज़ को हम जो है ग्रांटेड लेते हैं। लोगों के चेहरों को देखते हैं, वो लोग जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, जैसे कि अगर आपकी वो पत्नी है, अगर आपके बच्चे हैं, आपके पिता हैं, आपकी माँ है, लेकिन लास्ट टाइम आपने उनको अच्छे से कब देखा था, उनकी आंखों में आंखें डाल के कब देखा था। मॉडर्न साइकोलॉजी के एक अध्ययन से पता चलता है कि पति और पत्नी को जो है जब पूछा गया कि अगर आप जो है अपने पार्टनर की डिटेल्स बता सकें उनके चेहरे की, तो वो नहीं बता पाए क्योंकि उनको याद ही नहीं अब वो कैसे दिखते हैं। तो ये टेक्निक कहती है कि ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो एक नई आंख से। जीवन जो है हर वक्त जो है बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है, कोई भी चीज़ ठहरी नहीं हुई है, कोई भी चीज़ जो है फिक्स नहीं है। बुद्ध की भाषा में वो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो पेड़ है, बुद्ध कहेंगे वो पेड़ हो रहा है। जब हम नदी को देखेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि नदी है, वो कहेंगे नदी हो रही है, कि हर क्षण जो है चीज़ें बदलती जा रही हैं। लेकिन हमारी आदत हो चुकी है कि हम चीज़ों को जो है एक ऑटो पायलट की तरह देखते हैं, एक रोबोट की आंखों की तरह देखते हैं, चीज़ों को फिक्स वे से देखते हैं। वहाँ पे जो है जागरण की कमी होती है, वहाँ पे सिंपली एक मैकेनिज्म होता है जो काम कर रहा होता है। अगर वहाँ जागृति है तो आप जब भी कोई भी काम जो है अगर आप रिपीट भी करेंगे उसके अंदर जो है उसकी गुणवत्ता जो है बदल जाएगी, उसका आधार बदल जाएगा, उसका गेस्टाल्ट बदल जाएगा, क्योंकि हर बारी जो है आप नए हो गए हैं, तो वो जिसको आप देख रहे हैं वो भी नया हो गया है। आप रोज अपने घर के दरवाजे से अंदर और बाहर होते हैं, लेकिन कभी भी आपने उस दरवाजे को ध्यान से देखा? हाँ, तब देखा होगा जब किसी कारण से जो है वो दरवाजा नहीं खुल रहा या फिर कोई जो है इशू आ गया, लेकिन आपने कभी भी उस दरवाजे को फील किया? आप रोज उससे अंदर और बाहर होते हैं लेकिन आपने कभी भी उसको ध्यान से देखा नहीं। वो जूता जो शायद आप जो है बहुत टाइम से पहन रहे हैं, आपका जूता, उसको आपने जो है कभी निहारा, उसको कभी आपने फील किया? वो जूता जैसे इंतज़ार करता है कि आप कभी उसको देखेंगे। तो ये टेक्निक बहुत सिंपल है। टेक्निक सिंपली आपको ये बोलती है कि आप अपने देखने में जो है जागरण ले आए, कि आप जब देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जो है प्रेजेंट हो जाए। आपके प्रेजेंट होते ही आपकी आँखों के अंदर जो है चमक आ जाएगी। आपके प्रेजेंट होते ही इन आँखों से जब आप किसी और को देखेंगे वो व्यक्ति भी जो है आपको ध्यान से देखेगा, क्योंकि ये वो आँखें हैं जो बिल्कुल नई हैं। ये वो आँखें हैं जो एक बच्चे की आँखें हैं। बच्चा जिस तरह से चीज़ों को देखता है उसके लिए हर चीज़ जो है नई है, उसके लिए हर चीज़ जो है वंडर से भरी पड़ी है, हर चीज़ जो है आश्चर्य से भरी पड़ी है। वो सड़क के किनारे से जब पत्थर भी उठा लेता है तो उसके लिए जो है वो पत्थर भी जो है हीरे से कम नहीं है। उसकी आँख में जो है वो हीरा ही है, लेकिन आपका मन उस जो है चीज़ों को ऑलरेडी डिफाइन कर देता है। डिफाइन करते ही जो है आपका जागरण जो है गायब हो जाता है, कि वो जो पत्थर है जो सड़क के पास में जो पड़ा है, अगर आपने जो है उसी पत्थर को दोबारा से देखा तो उसके अंदर भी आपको जो है एक ब्यूटी नजर आएगी, उसके अंदर भी जो है आपको एक सौंदर्य नजर आएगा। तो ये टेक्निक आपको अपनी आंख को वापस लेके आने के लिए बोलती है, उस आंख को धोने को कहती है जो कहीं ना कहीं मैली हो गई है, जो कहीं ना कहीं मिट्टी से भर गई है, जो सो गई है। और मज़े की बात यह है जब आप चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ों को देखते ही हर चीज़ के जो है आपको रंग नज़र आते हैं, और आपको दिखता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, कितने रंग हैं यहाँ पे, कितनी विविधताएं हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली विचार चल रहे हैं तो आप ना रंग देख सकते हैं, ना आप लोगों को देख सकते हैं, आप सिंपली एक रोबोट की तरह जो है आप अपने जीवन को जी रहे हैं। एक ऑटो पायलट में जो है ज़्यादातर लोग जो है अपने जीवन को जीते हैं। जब जीवन में आपके जागरण आना शुरू होता है, जब आप कॉन्शियस होना शुरू होते हैं, तो आपकी आँख जो है वापस आती है। विज्ञान भैरव तंत्र आपको अपनी आँख को रीडिस्कवर करने को बोलती है, वो आँख जिसको आपने खो दिया है। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कपल जो है आपको सड़क पर चलता हुआ दिखता है और आपको दिखता है कि ये सुंदर कपल है,
कि आप जो है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उस पुरुष की तरफ या उस स्त्री की तरफ। लेकिन जब आप उन दोनों को देखते हो, उन दोनों के बीच में कोई आकर्षण नहीं दिखता है। दोनों का जो सौंदर्य है वो एक दूसरे को अब नहीं देख सकता। लेकिन जब बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है वो उन दोनों का सौंदर्य देख पाता है। लेकिन आप थोड़ा समय दीजिए, फिर आप दूसरी बार जब आप देखेंगे तो आपका मन आपको कहेगा कि इसको तो मैंने देखा हुआ है, इसको तो मैं जानता हूँ, इसलिए इसको इतना आप ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप तीसरी बार जो है उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन ने जो है अब डेफिनेशन बना ली है। अब वो डेफिनेशन के कारण जो है अब वो सो चुका है। अब आपका मन आपको बोल रहा है अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है कि वहां पे क्या है और वो तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि आकाश के नीचे कुछ भी जो है नया नहीं है, यहाँ सब कुछ पुराना है। लेकिन जब आप इस आंख से देखते हैं तो आपको दिखता है कि इस आकाश के नीचे जो है सब कुछ नया है, हर क्षण जो है नया है, हर चीज जिसको आप देखते हैं वो नहीं हो जाती है। मैंने उदाहरण के तौर पे जो है जूतों की बात की थी। विंसेंट वैन गॉग ने जो है अपने जूते की जो है पेंटिंग बनाई है। विंसेंट वैन गॉग की आंखें जो हैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। वो उन जूतों के अंदर जो है वो डिटेलिंग देख सका जो आप कभी भी नहीं देखते। ये जूते आपके पास भी हैं लेकिन आपने कभी भी उनको जो है गौर से नहीं देखा। उनकी अपनी एक कहानी है जो वो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन आपने कभी वो सुनी नहीं। तो अपनी आंखों को जगाइए, अपने विजन को जो है दोबारा से जो है एक्टिवेट कीजिए। इस संसार के जो सुंदर सुंदर जो रंग हैं उनको दोबारा से देखिए। एक नई नज़र से देखूं हर लम्हा में नया जहां पाऊं, जो गुजरा ना बार बार उसमें नए रंग रोज लाऊं। घर के कोने कोने से जैसे नए अफसाने बोलें, नज़रों से उन्हें चुनूं, हर किस्सा नया सबक सिखोलें। बच्चों की हंसी में हर दिन नई कहानी जैसे बहती, उनके खेल खिलौनों में जिंदगी खुशियां संग में रहती। जो पथिक रोज चले वही पथ पर नया आयाम लिखे, पहली बार की तरह हर कदम पर नई दुनिया से दिखे। जूतों की सादगी में जिंदगी की गहरी कहानियां बसती, उन्हें पहनूं हर रोज मानो नए सफर की नई राह चुनती। हर क्षण को अपनाए, नई नजर से हर पल को जिए, इस जिंदगी की यात्रा को नई दृष्टि से सच्चाई से पिए। चलो नए नजरिए से दुनिया को देखें, हम अपने अतीत से बाहर निकल वर्तमान में जीने का ले दम। तो अपनी आंख के ऊपर जो पर्दा है उसको हटाना है और आप देखेंगे एक नया जगत जो है आपके सामने जो है प्रकट होना शुरू हो गया, कि हर चीज आपके आसपास जो है वो आपको नई दिखने लग गई। घर का फर्नीचर जिस पे आप रोज बैठते हैं, जिसको आप रोज यूज करते हैं, वो भी आपके लिए सब कुछ जो है नया हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी उनको ध्यान से देखा नहीं है। उनको आप यूज कर रहे हैं लेकिन उनके प्रति जो है आपके भीतर कभी भी धन्यवाद का भाव नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट बार बार ये बात बोलते हैं, जिनके पास कान है वो सुन लें, जिनके पास आंखें हैं वो देख लें। ऐसा लगता है जीसस क्राइस्ट जो है अंधों और बहरों से बात कर रहे हैं। जहां पे ध्यान नहीं है, जहां पे जो है जागरूकता नहीं है, वहां पे लोग अंधे और बहरे ही हैं। मन में जीना जो है अंधे और बहरे होके जीना है। जब आपका ध्यान जो है इस क्षण में आ जाता है, जब आप जागरूक हो जाते हैं इस क्षण के अंदर, तो आप देख पाते हैं, आप सुन पाते हैं, आप महसूस कर पाते हैं। आपका जो ऑटो पायलट जो मोड है, जो आपका रोबोट का जो एक मोड है, उससे आप बाहर निकलते हैं और पूरी तरह से कॉन्शियसली जो है अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। तो ये सिंपल सा विज्ञान भरत तंत्र का जो मेथड है वो आपको अपने पास से जो है मुक्त होने के लिए बोलता है। वो आपको इसी क्षण में जो है वापस आने के लिए कहता है। इनफैक्ट हर ध्यान की टेक्निक जो है उसका जो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है, जो सबसे बड़ा जो उसका काम है, वो यही है कि आपको जो है आपके पास से या आपके फ्यूचर से खींच के जो है आपको इस मूवमेंट में ले। एक चीज़ और समझने की है, हम अक्सर जो है समय को जो है तीन हिस्सों में बांट देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि सही नहीं है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर जो है उसको तो समय के साथ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट का जो क्षण है वो समय अतीत है, वहाँ पे जो है आप समय के पार हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में जो है समय एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जीसस क्राइस्ट एक बात और बोलते हैं, वो कहते हैं कि देयर शैल बी टाइम नो मोर इन द किंगडम ऑफ गॉड। कि जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में प्रवेश करते हैं अपने भीतर, वहाँ पे जो है समय के पार चले जाते हैं। तो अपनी आंख को जो है दोबारा से डिस्कवर करना है। ये टेक्निक जो है आपको उसी की याद दिलाती है, अपनी खोई हुई आंख को जो है वापस लाने के लिए बोलती है। तो जब आपको महसूस हो कि आपकी आंख में वो दोबारा से वो फ्रेशनेस आ गई है,
दोबारा से वो अलाइवनेस आ गई है, दोबारा से जो है वो जो बच्चे की जो इनोसेंस है वो वापस आ गई है, तभी समझना कि आपकी जो आँख है वो काम कर रही है। अदरवाइज आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, आप जो है अंधों की तरह जो है अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये छोटी सी टेक्निक को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा और आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन जो है वो पूरा रंगों से भर गया। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।